हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सिला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 11 पीसी में अपडेट एरर कोड 0x800700C1 इस एरर को कैसे फिक्स करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो मार्च वीडियो में देखेंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है टास्क मैनेजर में। यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज एक्सप्लोरर। यहाँ पे देखिए विंडोज एक्सप्लोरर, उस पर राइट क्लिक करना है, रीस्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। विंडोज एक्सप्लोरर रीस्टार्ट होने के बाद आप उसको क्लोज कर देना है। सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको जाना है ट्रबल शूट में, उसके बाद आपको जाना है अदर ट्रबल शूट में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज अपडेट, आपको रन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपडेट होने थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, उसके बाद आप इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है, यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैप करना है यस एफसी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश स्कैन नाउ, इंटर कर देना है। यहाँ पे भी आपको 100% होने तक वेट करना है। 100% होने के बाद आप उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको पीसी या लैपटॉप पे रजिस्टर करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप इस तरह से विंडोज 11 पीसी में एरर कोड 0x800700C1 प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक्सिला चैनल मिलते हैं।